दोस्तों आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग के बीच अब शुरू हो चुका है, जहां मुंबई की ओर से रोहित शर्मा और ईशान किशन ने पारी की शुरुआत करते हुए चौकों और छक्कों की बरसात कर दी है। तो क्या चल रही है मुकाबले की लाइव अपडेट, किसने बना लिए हैं, कितने रन, कौन खेल रहा है कितने रनों पर, इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि आज का मुकाबला मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग में से कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जा रहा है, जिसका इंतजार लाखों क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे थे। और ये मुकाबला हमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से लाइव खेला जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बता दें कि मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा जहां अपनी पहली जीत की तलाश में है, वहीं चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने लखनऊ टीम को हराकर अपनी जीत का खाता खोला था और आज लगातार दूसरी जीत हासिल कर अपनी जीत की दावेदारी पेश करना चाहते हैं। जहां मुंबई इंडियन की तरफ से पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और ईशान किशन ने कर दी है और मुंबई इंडियन की टीम यहां पर चेन्नई के ऊपर हावी होती हुई भी नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले कि अगर आप भी मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग के बीच मुकाबले का लाइव आनंद अपने टेलीविजन पर लेना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा ऐप पर मुकाबले का लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जहां पर आप अलग अलग भाषाओं में बिल्कुल फ्री में मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड आंकड़ों की, तो बता दें कि मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग के बीच में अब तक कुल मिलाकर 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 14 मुकाबले चेन्नई की टीम ने जीते हैं जबकि 20 मुकाबलों में मुंबई इंडियन की टीम ने जीत हासिल की है। तो दोस्तों आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई इंडियन का पलड़ा चेन्नई पर काफी भारी है और आंकड़ों के अनुसार मुंबई इंडियन की टीम जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। वहीं दोस्तों बात करें मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट की, तो गौरतलब है कि वानखेड़े स्टेडियम की पिच अक्सर बल्लेबाजों की मदद करती है। इस पिच पर आईपीएल में औसत स्कोर 180 रनों का है, जबकि यहां पर अंतरराष्ट्रीय टी20 में एक पारी का औसत स्कोर 194 रन है। छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड अक्सर बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है। वानखेड़े स्टेडियम में शाम के वक्त खेले जाने वाले टी20 मुकाबलों में हमेशा रनों की बारिश होती है और जमकर रन बरसते हैं और इस मैच में भी हमें एक हाई स्कोरिंग मैच होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में दोस्तों पिच को मद्देनजर रखते हुए गेंदबाजों को यहां पर संभल कर गेंदबाजी करनी होगी। बल्लेबाज यहां पर बड़े शॉट लगाकर खूब रन बटोरते हैं और अगर यहां पर टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा बल्लेबाजी चुनते हैं तो उनकी टीम कोशिश करेगी कि 200 के पार का स्कोर बनाया जाए और अगर चेन्नई सुपर किंग की टीम को 200 से ज्यादा का लक्ष्य मिला तो चेन्नई की हार बिल्कुल निश्चित है। तो दोस्तों अब अगर बात करें प्लेइंग 11 टीम की जो हमें खेलती हुई नजर आ रही, तो इसमें हमें कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने हार के बाद टीम में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। हालांकि दोस्तों चेन्नई के खिलाफ मुंबई की तरफ से भले ही रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन मध्यम क्रम पूरी तरह से बदल दिया गया। मध्यम क्रम में हमें मुंबई इंडियन की तरफ से सूर्यकुमार यादव, कैमरून ग्रीन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, निहाल वडेरा और ऋतिक शौकीन खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में अरशद खान, पीयूष चावला और जोफ्रा आर्चर को मौका दिया गया है। वहीं अगर आपको चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 बताएं तो दीवान कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, जबकि मध्यम क्रम में बेन स्टोक, मोइन अली, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, शिवम दुबे, राजवर्धन हंगरेकर को शामिल किया गया है, जबकि गेंदबाजी में मिचेल सेटनर और दीपक चहर खेलते हुए नजर आने वाले। तो दोस्तों ऐसे में अब आप सबकी क्या राय है कि मुंबई और चेन्नई सुपर किंग में से मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।